नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। हाल ही में राजस्थान में हुई रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं अब प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक कर मामले को सीबीआई से जांच कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से इसमें लगातार भ्रष्टाचार के नाम आने के बाद जहां राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य सचिव को बर्खास्त कर दिया है और चेयरमैन को बर्खास्त करने की बात सामने आ रही है, ऐसे में भाजपा सहित विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहा है। इसी क्रम में एबीवीपी ने प्रदेश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने की मांग करते हुए सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। इससे पूर्व एबीवीपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर एकत्रित होकर रीट परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक से लाखों युवाओं के भविष्य फल प्रश्न पर चिन्ह लग गया है, जिसकी जिम्मेदार राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। उन्होंने इस मामले में लिप्त सभी तरह के अधिकारी कर्मचारियों और राजनेताओं को तुरंत बर्खास्त किए जाने और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर लीक पर कानून बनाए जाने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता पीके शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न रिट एसआई पटवार इन भर्तियों के पेपर पूरी तरह आउट हुए, बाजार में पेपर बिके, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा पेपरों को आउट नहीं माना गया और एसओजी की जांच में भी पेपर आउट माने गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चार महीनों में अब जाके रिट के बोर्ड अध्यक्ष जी को उन्होंने निलंबित किया है, तो विद्यार्थी परिषद सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर मांग करती हैं कि इन सब भर्तियों को रद्द कर दोबारा पेपर करवाया जाए ताकि विद्यार्थियों में विश्वास बना रहे।